अब हम लोग सेल्फ हिप्नोसिस की दूसरी टेक्निक सीखेंगे माइंड की प्रोग्रामिंग के द्वारा। मैं क्या करूंगा, 25 टू काउंट करूंगा, 25 से बैकवर्ड्स काउंट करूंगा, 24, 23, 22, हर काउंटिंग के साथ अब 10 टाइम्स और रिलैक्स होते चले जाएंगे, 21, ऐसे करते करते मैं 6 पे आऊंगा। 6 पे आपको क्या करना है, अपनी आंखें खोलनी है और अपने सामने पहले ही एक निर्धारित पॉइंट कर देना है, अपनी से ऊपर। जब आप सो रहे हैं तो अपने एंगल से ऊपर, आईबॉल ऊपर जाने चाहिए, एक पॉइंट निर्धारित कर देना आपको, उस पॉइंट को आप देखते रहेंगे। 5 पे वो आपकी आंखें बहुत भारी हो जाएंगी, 4 पे वो इतनी भारी हो जाएंगी कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे और आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, 3 पे आपको कोई ऐसी जगह याद करनी है जहां पर जाकर आपको पास्ट में बहुत अच्छा लगा हो, उस जगह को याद करना है, 2 पे अपने फेस पे स्माइल लानी है और 1 पे आप एकदम डीप ट्रांस के अंदर होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 25 to 6 आऊंगा, 6 पे आपको अपनी आंखें खोलनी, में गाइड करता रहूंगा। आगे चल के आपको सेल्फ हिप्नोसिस करना है, आगे आपको अपने आप करना है। मैं 6 पे आपको अपनी आंखें खोलेंगे, अपने सामने एक पॉइंट निर्धारित करेंगे, उसको देखते रहेंगे। 5 पे आपकी आंखें भारी हो जाएंगी, बहुत भारी हो जाएंगी। 4 पे वो इतनी भारी हो जाएंगी कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे और इंस्टेंटली आपकी आंखें बंद हो जाएगी। 3 पर आप एक ऐसी जगह को याद करेंगे जहां पर जाना आपको बहुत अच्छा लगा हो पास्ट में, उस जगह को याद करेंगे। 2 पे अपने फेस पे स्माइल लाएंगे, बहुत अच्छी फीलिंग लाएंगे अपने अंदर, और 1 पे आप एकदम डीप ट्रांस करके चले जाएंगे। स्टार्ट करें, एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। लंबे गहरे श्वास लीजिए और पूरा ध्यान दीजिए अपनी सांसों के ऊपर। लंबे गहरे श्वास और पूरा ध्यान है आपका अपनी सांसों के ऊपर। 25, हर काउंटिंग के साथ आप 10 टाइम्स और डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, आप डीपर और डीपर चले जा रहे हैं। 24, इमेजिन कीजिए कि कोई स्टेयरकेस है, सीढ़ियां हैं, 25 सीढ़ियां हैं, हर काउंटिंग के साथ आप एक एक सीढ़ी उतरते चले जा रहे हैं। हर सीढ़ी को उतरने के साथ आप मन की ओर गहरी और गहरी अवस्था में चले जा रहे हैं। 23, ट्वेंटी, हर काउंटिंग के साथ आप मन की गहरी और गहरी अवस्थाओं में चले जा रहे हैं। आप स्लीपी ड्राउजी फील करने लगे हैं, पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन बढ़ती चली जा रही है, आप और डीपर और डीपर चले जा रहे हैं। 19, 10 टाइम्स और डीपर। 18, और डीपर। 17, और डीपर। 16, और डीपर। 15, और डीपर। 14, और डीपर। 13, 12, 11, 10, अब सीधे उतरते चले जा रहे हैं, अब और मन की गहरी और गहरी अवस्थाओं में चले जा रहे हैं। 9, और डीपर। 8, और डीपर। 7, याद रखिए कि अगले डिजिट पे आपको अपनी आंखें खोलनी है, किसी एक अपने निर्धारित पॉइंट को देखना है। 6, जैसे ही मैं अगले डिजिट बोलूंगा आपके आंखों में बहुत भारीपन फील होगा आपको। 5, अगली काउंटिंग पे आपकी आंखें इतनी भारी हो जाएंगी कि आप उससे रोक नहीं पाएंगे, खुली रख नहीं पाएंगे और अपनी आंखें बंद कर देंगे। 4,
अगली काउंटिंग पे आपको एक ऐसी जगह याद करनी है जहां पर जाकर आपको पास्ट में बहुत अच्छा लगा हो। 3 अगली काउंटिंग पे आपको फेस पे स्माइल लानी है, बहुत अच्छा बॉडी में फील करना है। 2 और अगली लेवल, अगली काउंटिंग पे आप माइंड के अल्फा लेवल्स में आ जाएंगे जहां पे जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। एंड 1 इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लोर्स हैं, सब फ्लोर्स पे लाइट चल रही है। जैसे जैसे मैं काउंटिंग करूंगा उस फ्लोर की लाइट बंद हो जाएगी, और जैसे जैसे उस फ्लोर की लाइट बंद होगी आप बहुत डीपर और डीपर चले जाएंगे। नंबर 10, 10th फ्लोर की लाइट बंद हो रही है और आप बहुत डीपर चले जा रहे हैं। नंबर 9, 9th फ्लोर की लाइट बंद हो रही है और आप डीपर चले जा रहे हैं। नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 अब आप 10 मिनट्स के लिए इसी लेवल में रहेंगे। 10 मिनट्स तक जो कुछ अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, कुछ ऑड विजुलाइजेशन कि आपके बच्चों के मार्क्स कैसे अच्छे आ रहे हैं, आपके बच्चों के अंदर मेमोरी कैसे बढ़ रही है, आप उन्हें मेमोरी बूस्टर इंजेक्शन दे सकते हैं, कोई कार्टून उन्हें मेमोरी पावर बढ़ने के फंडास सिखा रहा है ऐसे देख सकते हैं, कोई कार्टून उन्हें बोल रहा है कि अब आपके 100% आ रहे हैं, कोई कार्टून्स के बीच में वो एंजॉय कर रहे हैं कि अब उनके 100% आ गए हैं, कुछ ऑड विजुलेशन अपने स्पाउस के साथ बहुत हैप्पीली लाइफ आप जी रहे हैं। एक हार्ट शेप बलून है जो कि आसमान में उड़ता चला जा रहा है, पूरी दुनिया आप दोनों के प्यार को देख रही है, सब लोग अपने घरों के बाहर निकलकर उस पिंक बैलून को देख रहे हैं कि कितना प्यार है इस हस्बैंड वाइफ में। आपने अपने स्कल को, अपनी खोपड़ी को खोल दिया है और उसमें से पिक कर करके सारे नेगेटिव थॉट्स कलेक्ट कर करके एक डस्टबिन में डालते चले जा रहे हैं। जब वो सारे थॉट्स निकल जाएंगे तब आप उस डस्टबिन को जला देंगे। पैसा खुद ब खुद चल के आपकी तरफ आ रहा है। जितने भी पैटर्न्स जो आपको नहीं चाहिए, जो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको नहीं चाहिए, वो सारे पैटर्न्स आप अपने स्कल में से निकाल रहे हैं और उसको थ्रो कर रहे हैं। क्योंकि हम अभी माइंड पैटर्न्स को चेंज करना सीख रहे हैं तो पुराने जितने भी पैसे फाइनेंस को लेके, हमारे प्रोफेशन को लेके, हमारी मैरिज लाइफ को लेके, हमारी चिल्ड्रंस को लेके, जो कुछ भी है उन पैटर्न्स को हम निकाल रहे हैं जिनमें हमें चेंजेस चाहिए। जिस किसी में हमें चेंजेस चाहिए वो सारे पैटर्न्स हम निकाल रहे हैं, क्योंकि अब हम पैटर्न्स को चेंज करना सीख रहे हैं। तो आप जो कुछ विजुलाइज करना हो, जो कुछ इमेजिन करना हो, करते रहिए।
एक वाइट लाइट हमारी बॉडी में एंटर करते चले जा रही है और पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को हील करते चले जा रही है, पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती चली जा रही है। सभी ऑर्गन्स एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं, सारे ग्लैंड्स एक प्रॉपर वे में चल रही हैं। ये हीलिंग लाइट पूरी बॉडी के हर एक सेल में जाकर उसको स्वस्थ करती चली जा रही है। बार बार मन में दोहराते रहिए कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। उस स्वस्थता को फील करते रहिए। जिस किसी पार्ट में आपको डिस्कम्फर्ट है, उस पार्ट में वो लाइट जाकर उस डिस्कम्फर्ट को दूर कर रही है, उसको हील कर रही है और पार्ट एकदम संपूर्ण स्वस्थ हो रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिए। ये वाइट लाइट आप अपने नियर्स एंड डियर्स वंस को दे सकते हैं, उनको संपूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं। ये वाइट लाइट आप अपने पूरे घर में भर सकते हैं जिससे कि उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ये वाइट लाइट आप अपनी पूरी सिटी को दे सकते हैं जिससे कि उसमें सबकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। ये वाइट लाइट आप पूरे इंडिया को दे सकते हैं जिसमें हर एक नागरिक संपूर्ण स्वस्थ रह रहा है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती रह रही है, पूरा नेचर एकदम स्वस्थ रह रहा है, सभी एनिमल्स एकदम स्वस्थ रह रहे हैं। ये वाइट लाइट आप पूरे यूनिवर्स को दे सकते हैं इस अर्थ को हील करने के लिए। वन बाय वन आपके सभी प्रोजेक्ट्स को ये लाइट पास आउट करते रहिए और फील करते रहिए कि ये सब कुछ हो रहा है। अपने चेहरे पे स्माइल, अब मैं एक से लेकर तीन गिनती गिनूंगा, तीन पर आप अपनी आंखें खोल देंगे। एक, चारों तरफ से एनर्जी को फील कीजिए। दो, चारों तरफ से सराउंडिंग को फील कीजिए। और तीन, अपनी आंखें खोल दीजिए। थैंक यू।